तो भाई गाइस, आज हमारे पास यहाँ पर बोल्ट ऑडियो की तरफ से लेटेस्ट स्मार्ट वॉच और ये हमारी बोल्ट क्राउन। काफी तगड़ी वॉच है, लुक मुझे भाई बहुत अच्छा लगा इसका। इसका जो लुक है ना, एप्पल की जब वॉच अल्ट्रा आती है 90,000 की, उसी की तरह देखने आपको मिलता है। तो मैं इस वॉच को यहाँ पर करीब 3 से 4 दिन से यूज कर चुका हूँ और आपके यहाँ पर इसका आज फाइनल रिव्यू बताऊंगा। ये वॉच है कैसी, इसके अंदर जो आपके यूनिक फीचर है वो आपको किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या देखने को आपको मिलता है। सो बॉक्स की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें फ्रंट में बोल्ट क्राउन यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग दी गई है बोल्ट की तरफ से और साथ में यहाँ पर वॉच भी प्रिंटेड है 3D के अंदर एक देखने को मिलती है। काफी अच्छा इसका बॉक्स यहाँ पर पैकेजिंग करी गई है। बैक से देखने तो आपको मिल जाएगा इसमें 1 ईयर की यहाँ पर वारंटी दी गई है, साथ में यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंस है और 1.95 इंच की आपको एक HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। साथ ही वॉच आती है यहाँ पर अपनी मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ, जिंक एलॉय का इसमें यूज किया गया है। सो वॉच की हम प्राइसिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर करीब 1500 रुपए की देखने को मिल जाती है फ्लिपकार्ट पर, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट में देखने मिल जाएगी 3 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी, टोटल 15 मंथ्स की यहां पर ये हो जाती है। और फिर आपको देखने मिलेगी इसमें मैनुअल दी गई है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस वॉच के बारे में क्या क्या फीचर्स के अंदर मेंशन है। और आपको देखने मिल जाएगा एक पोको पिंक का टाइप चार्जर, ये मैग्नेटिक चार्जर है जिसमें आपको सभी के अंदर तक मिलता है सेम, वो यहाँ पर आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर चार्जिंग स्पीड है इसकी यहाँ पर 2.5 घंटे में आपकी वॉच को फुल चार्ज कर देगा और वॉच यहाँ पर चलेगी करीब 7 से लेकर 8 दिन आपकी लगातार चल जाएगी ओनली 1 चार्ज में। फिर आपको देखने नीचे मिलती है एक स्मार्ट वॉच, काफी सुंदर भाई लुक दिया गया है। इससे जल्दी से हम करते हैं अनरैप और निकालते हैं इसे भाई पॉलिथीन से बाहर और फिर दिखाते हैं इसका लुक आपके देखने को मिलता है। भाई हाथ में लेती है एकदम यहाँ पर सॉलिड फील आई है, काफी हद तक तगड़ा लुक निकल के आ रहा है। ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है ना, तो इसके यहाँ पर लुक भाई नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और साथ में आपके यहाँ पर कुछ बटन देखने मिल जाएंगे जो एकदम सिमिलर यहाँ पर एप्पल की वॉच 8 अल्ट्रा आते हैं उसी की तरह देखने आपको मिलते हैं। आपको इसमें क्राउन देखने मिल जाएगा, वॉच का यहाँ पर नाम यहाँ पर बोल्ट क्राउन है, तो उसके अंदर आपको क्राउन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर फंक्शन है, फुली फंक्शन है। इसमें आपको 2 यहाँ पर फंक्शन देखने मिल जाते हैं और साथ में आपके पास सेकंड बटन देखने मिल जाएगा, ये भी यहाँ पर फुली फंक्शन है और बीच में आपके यहाँ पर माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट से देखने तो आपको मिल जाएगी 1.95 इंच की एक HD की स्क्रीन, काफी बड़ी स्क्रीन है भाई, काफी मजा आएगा जब भी आप वॉच के यहाँ पर पहनेंगे, पूरी फील आने वाली है एप्पल वॉच अल्ट्रा वाली। और लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक स्पीकर ग्रिल, काफी लाउड इसकी ऑडियो है, साथ में एक और आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है। और बैक से देखने तो आपके सेंसर दिए हुए हैं SPO2 और हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और पीछे आपके यहाँ पर देखने मिल जाएगा पोको पिन कनेक्ट करने के लिए चार्जर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पीछे आपके यहाँ पर ग्लास देखने को मिलने वाला है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई काफी तगड़ी वॉच है, मुझे भाई काफी पसंद आई बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ये काफी ड्यूरेबल होने वाली है और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी वॉच होने वाली है। और जिसका स्ट्रैप है भाई देख लो, एकदम रबराइज्ड मेटल के साथ आता है। अभी मेरे पास यहाँ पर ब्लैक स्ट्रैप आया है इसका, आप इसमें चाहें तो 3 कलर और देख सकते हैं। इसमें सेकंड कलर आता है ऑरेंज का ऑप्शन आ जाता है, फिर ब्लू का और फिर आपका येलो का देखने को मिलता है। सो स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा आपको इसमें स्ट्रैप देखने मिलता है, पूरा रबराइज यहाँ पर स्ट्रैप देखने मिलेगा। और ये इंटरचेंजेबल स्ट्रैप है, आप इसमें मार्केट से आते हैं 150 रुपए की, उनसे भी आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में आपको इसमें मेटल के हुक देखने को मिल जाता है। सो क्वालिटी वाइज भाई वॉच मुझे काफी अच्छी लगी, इसके मेटल के यहाँ पर आपको पूरी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, साथ में इसके यहाँ पर रबर के आपको स्ट्रैप देने को मिल जाते हैं और ये काफी स्ट्रेचेबल है, ये काफी कंफर्टेबल होने वाले हैं जब भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए वॉच को पहनेंगे। तो सो गाइस, आपने इसके यहाँ पर अनबॉक्सिंग देख ली होगी, अब बताता हूँ मेरा यहाँ पर रिव्यू कैसा रहा इस वॉच के यहाँ पर जब मैंने यूज किया था 3 से 4 दिन तक। तो सबसे पहले भाई मैं इंप्रेस हुआ इसके लुक से, भाई मुझे काफी तगड़ा लुक लगा इसका। मेटल की बिल्ड क्वालिटी ना आपके यहाँ पर लगने वाला है कि आप कुछ अच्छा यहाँ पर वियर कर रहे हैं अपने हाथ के अंदर। साथ में जो इसका स्ट्रैप मैंने एकदम आपको एप्पल की फील आने वाली जब भी आप इस स्ट्रैप को यूज करेंगे। ये मैंने जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का स्ट्रैप है मार्केट से परचेज किया था 150 रुपीज में, और इसका जो साथ आता है ना ब्लैक कलर का स्ट्रैप यहाँ पर साथ में ही आया था और इंटरचेंजेबल भाई इस स्ट्रैप है, तो काफी यूजफुल वॉच हो जाती है। आप इसमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर जो स्ट्रैप है उसे यूज कर सकते हैं। लुक एंड डिजाइन की बात करें तो आपको इसमें एक 1.95 इंच की एक HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो काफी ज्यादा ब्राइट है। 99 nits की इसमें पीक ब्राइटनेस देखने को आपको मिलती है, डे लाइट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने की है, काफी अच्छी तरीके से कंटेंट है ना वो विजुअल हो जाएगा। और यहाँ पर भाई ये ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2, काफी तगड़ा यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट अभी तो ये, और 10 मीटर की इसकी रेंज है। कभी भी मुझे भाई डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, हमेशा फोन से कनेक्ट रहता है और जो नोटिफिकेशन आते हैं आपको तुरंत इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में कॉलिंग क्वालिटी की बात करें तो आपको माइक क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दिख रही है, डेडिकेट इसमें आपको माइक मिल जाता है और इसमें डेडिकेट आपको यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो काफी लाउड है। इसके जो आउटपुट है आपको भी सुनाने वाला हूँ, साथ में इसके माइक क्वालिटी का आउटपुट सुन लीजिए। भाई गाइस, मेरी वीडियो कैसी आ रही बताओ एक बार। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वॉच से ही, जो कि हमारी है बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाली बोल्ट क्राउन वॉच। अभी मैंने यहाँ पर वॉच को अपने हाथ में पहना हुआ है और मेरी वीडियो कैसी आ रही है वो बताओ एक बार। और यहाँ पर जो वॉच आती है ना अपने जो पैसे में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लाती है, और कितनी क्लियर आ रही ऑडियो वो बताओ। यहाँ पर पूरा वॉच टेस्ट होने वाला है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही है।
नशे में तेज रे नाराज, दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए। सो बात करें इसे कॉलिंग फीचर की, जब भी इसमें कॉल आता है तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पर अपनी वॉच से उसके पिक कर सकते हैं, उसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर फोन में उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और फोन से वॉच के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फीचर देखने को मिलाता है इसमें, काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा था। और साथ में अपनी माइक को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और स्पीकर की जो वॉल्यूम है उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जो ब्लूटूथ कॉलिंग की जो सारे फीचर है, मेन फीचर है, वो सभी आपको इस वॉच के देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस वॉच के नोटिफिकेशन की, तो आप इसमें सारी तरीके की नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लेंथ की बात करें तो आप इसमें 3 स्क्रीन तक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मतलब 40 से 50 वर्ड तक इसमें आसानी से आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन भी आपके क्राउन की हेल्प से हो जाते हैं। और इसमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अदर कोई भी फोन नोटिफिकेशन आएगा, इवन आपका ईमेल हो गया या फिर फोन में कोई मैसेज आ गया, तो सब तरीके के नोटिफिकेशन आपको वॉच के अंदर शो हो जाएंगे। इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं और मैक्सिमम के यहाँ पर 6 नोटिफिकेशन यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। और कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो आपके इसमें 8 कॉन्टैक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में आप इसमें रिसेंट कॉल भी देख सकते हैं और डायलर भी कर सकते हैं। वॉच के वाइब्रेशन की बात करते हैं, इसमें आपको हार्ड वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके इसमें मोटर यूज़ की गई है, आपका पूरा हाथ हिला देगी, आपको पता लग जाएगा आपके यहाँ पर फोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर आपके यहाँ पर अलार्म ऑन हो रहा है। सो बात करें इसके हम यूआई की, तो आपको काफ़ी क्लीन यूआई देखने को मिल जाएगा और काफ़ी स्मूथली ये वर्क करता है, आपको बिल्कुल भी इसमें लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें टॉप से डाउन करेंगे तो आपके यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जिसमें 1 क्लिक के अंदर फोन कॉल को अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। डीएनडी मोड है, आप ब्राइटनेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा रेज टू वेकअप का ऑप्शन और टॉर्च का भी ऑप्शन दिया गया है। और सेटिंग की बात करें तो आपको सेटिंग में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्राइटनेस है, स्लीप है। इसमें वॉच फेसेस की बात करें तो इसमें आप 6 वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं अपनी वॉच से डायरेक्टली। मेन्यू ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 8 मेन्यू ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। हनीकॉम्ब है, इसमें लिस्ट व्यू है, फिर आपका ग्रिड व्यू है, पैरेलल है, फिर आपका सरफेस है, फिर आपका फुल मून देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन से, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें रीसेंट ऐप, आपने कौन कौन सी इसमें ऐप यूज़ करी गई है। और राइट स्वाइप करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें वो एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ पर डेली टास्क में आप कर सकते हैं। तो टाइल्स को आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर अपनी टाइल्स उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, आपका कैमरा हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, या फिर आप गेम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपने बॉटम से अप करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वॉच यहाँ पर सपोर्ट करती है अपनी एप्लीकेशन बोल्ड फिट नाम से, इसमें आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अपनी वॉच के जो वॉलपेपर है उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। 6 वॉच फीस यहाँ पर कंपनी की तरफ से आते हैं डिफॉल्ट, आपको करीब यहाँ पर 150+ वॉच भी देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसका नोटिफिकेशन, इसमें आप यहाँ पर अनेबल डिसेबल कर सकते हैं नोटिफिकेशन। सो बहुत सारी एप्लीकेशन सपोर्ट करती है ऐप और बहुत सभी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर वॉच के पास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं और शटर बटन आपको दिया गया है कैमरे के लिए। और फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते थे एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, तो करीब आप यहाँ पर 8 कॉन्टैक्ट अपने ऐड कर सकते हैं। तो ये सही फीचर आपको देखने मिल जाएंगे बोल्ड फिट ऐप से। आपके वॉच कैसे लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।